सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय टू चैनल काजल की दुनिया में आप सब कैसे हैं? फिर से बहुत बहुत सॉरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज पार्ट 23 आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर मेरे फर्स्ट व्यूवर्स पार्ट 23 को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैंने पार्ट 1 से अपनी जीवन की सत्य कहानी, जो मेरे साथ इतनी छोटी सी उम्र में मैंने क्या कुछ नहीं देखा, और एक लड़की के शादी के सपने जो होते हैं, शादी के बाद के सपने जो होते हैं, उन सपनों से जुड़ा हुआ जो एहसास होता है और उसकी खुशी जो होती है, तो दूर दूर तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई। और मेरे शादी के बाद क्या क्या मेरे लाइफ में इतनी जल्दी कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े तूफानों को मैंने सामना किया, करना पड़ा, मुझे फेस करना पड़ा। और यहाँ तक कि मैंने अभी तक शादी की अच्छे से कहते हैं कि फील भी नहीं लिया था कि एक, जैसे कि आप नया मैरिड कपल बनते हो तो कुछ दिन आप घूमने फिरने या एक अलग तरह की फैमिली मस्ती करते हो, तो वो चीज़, सारी चीज़ें होने से पहले ही मेरे लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे लाइफ में आ गई। और यहाँ तक कि मुझे अपने पापा को भी खोना पड़ गया शादी के 2 महीने के बाद ही। तो मेरे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आप लोग अगर पहली बार देख रहे हो और आपको अगर अच्छा लगा तो इसलिए आप पार्ट 1 से ज़रूर देखिए। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी आपको देखने मिलेगी जो आपको बहुत ही सुनने में इंटरेस्टिंग, रोमांचक और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैंने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की रियल स्टोरी शेयर किया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए, आपने बहुत कुछ अच्छा मिस कर दिया है। और फिर आपको पार्ट 23 भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिएगा मुझे। जैसे देवर बने हस्बैंड का क्या कनेक्शन है, ये टैग जो आप हमारे टाइटल में देख रहे हो, तो ये सबसे बड़ा जो टैग है हमारी लाइफ में, तो ये कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तुम्हें जानने मिलेगा कि देवर बने हस्बैंड का क्या चक्कर है। तो आप स्टार्टिंग से अगर नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए, फिर आप सीरियली देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो कि मेरी लाइफ एकदम फिल्मों से भरी हुई, जो फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं, तो अफसोस कि ये फिल्म नहीं है, मेरी रियल स्टोरी है। बट आपको फिल्म से एकदम भरा हुआ बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनने को मिलेगा। तो आप लोग स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। और जो लोग पहली बार पार्ट 23 को देख रहे हैं, अगर पार्ट 23 भी अगर आपके दिल को छू गई और आपको आपको मेरी रियल स्टोरी सच में आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दिल से सपोर्ट कीजिए। इतने सारे दुख झेलने के बाद जो मेरे लाइफ में एक अकेलापन आ गया है, मैं इस चीज़ को पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वो खालीपन को भी भरना चाहती हूँ आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के साथ से। क्योंकि मेरे साथ ऐसी भी सिचुएशन आई है जहाँ पे अपने ही गैरों की तरह करते हुए मैंने देखा है। और आप अगर स्टार्टिंग से मेरी जर्नी देखोगे तो आपको जानने मिलेगा कि क्या कुछ हुआ है मेरे साथ और किस तरह अपनों ने मुश्किल टाइम में अपने हाल पे छोड़ दिया, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, कोई कह सकते हैं कि कोई प्यार वाली कोई सपोर्ट नहीं, कोई हेल्प वाली कोई सपोर्ट नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख को फेस किया है। एक न्यू मैरिड कपल होते हुए भी इतने सारे दुखों को हमने अकेले ही फेस किया है, और इतनी छोटी सी लाइफ, इतनी छोटी सी एज में, जहाँ पे न्यू मैरिड कपल के सिर्फ उनके रास्ते में खुशियाँ आती है, लेकिन हमारे रास्ते में सिर्फ दुख ही दुख आए। और सबसे बड़ा दुख मेरे पापा के जाने का दुख था मेरे लिए, खासकर मेरे परिवार के लिए। लाख दुख होते अगर मेरे पापा रहते ना, तो ये दुख मेरे लिए कुछ भी नहीं था।
और मेरे पापा अगर रहते तो शायद मुझे ये दुख भी ना होता। इसलिए मुझे बार बार मेरे साथ ही चीज़ें भी वैसी होती गई कि एक तो पापा के जाने का दुख जो होता है बेटियों को वो तो है ही, और मेरे साथ चीज़ें भी ऐसी होती गई कि मुझे हर पल पापा की याद कमी खलती थी, काश पापा होते तो ऐसा ना होता। और एक चीज़ का मुझे हमेशा के लिए गिल्ट रहेगा, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम मेरी शादी की 2 महीने के बाद ही पापा डॉक्टर के यहाँ जब जा रहे थे तो मैं यहीं पे थी, और पापा लोग जब जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ लखनऊ ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके एक दिन पहले ही मैं यहाँ से ससुराल गई। तो मुझे एक चीज़ का गिल्ट है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, और वो सारा ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन कुछ मैं कर नहीं सकती सिवाय अफसोस के, पश्चाताप के, लाइफ टाइम तक रहे नहीं जो मैं उनसे कुछ कह पाऊँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपना दर्द बांट के अपने थोड़े से जो पश्चाताप है वो कर सकती हूँ अपने। और मैंने पापा से कहा था कि पापा हम लोग भी चले क्या, तो पापा ने कहा कि चलोगी तो चलो, तुम लोगों ने भी नहीं घूमा है तो घूम लेना, वहाँ पे लखनऊ तो अच्छा शहर है ही। तो फिर ये बातें मैंने अपने हस्बैंड से कही तो उन्होंने भी बोला कि हाँ प्लान तो ठीक है, बट अभी पापा ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल में रहेंगे और हम लोग घूमेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग बाद में चलेंगे। तो फिर मैंने ये बोला अपने हस्बैंड को कि कोई बात नहीं, हम लोग घूमेंगे नहीं बट पापा के साथ चलते हैं हम लोग भी, आपने भी पहली बार ही पापा के साथ जाओगे शादी के बाद तो चलो। तो मैंने बोला था अपने हस्बैंड को, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी नहीं, बाद में चलेंगे, पापा को तो फिर 2-3 महीने में ट्रीटमेंट कराने जाना ही है, तो हम अगली बार चलेंगे, इस बार रहने देते हैं। कुछ कुछ काम की वजह से मेरे हस्बैंड ने जाने से इनकार कर दिया, और यही चीज़ें मुझे रह रह के खल रही है कि अगर इस बार हम लोग चले जाते पापा के साथ तो शायद पापा मेरे हम लोगों के पास रहते हो सकता था, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पापा के पास कोई नहीं था, सिर्फ मेरे भैया और मम्मी थी, और तभी लास्ट टाइम में लग रहा था कि शायद कोई अगला पर्सन रहता तो कुछ बात अलग होती, जैसे कि मेरे भाई को समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पे थोड़ा सा लापरवाही जैसा हो रहा है तो क्या करे ना करे, वो अकेले उनके माइंड में कुछ समझ नहीं आया। और अगर कोई अगला पर्सन रहता, मैं मेरे हस्बैंड, तो शायद चीज़ें अलग होती, शायद मेरे पापा हम लोगों के पास रहते। मुझे रह रह के यही बातें करती है कि हम लोग काश चले जाते पापा के साथ तो शायद पापा आज हम लोगों के साथ रहते, और मेरी लाइफ में जितने भी उथल पुथल हुए हैं इतने उथल पुथल ना होती, और मेरी लाइफ में जितनी उथल पुथल हुई है ये ना होती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश में चली जाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा फिर मुझे नहीं मिलेंगे दोबारा। मुझे थोड़ा सा भी फील हो जाता कि मेरे पापा इस बार ऐसा कुछ हो जाएगा, या इस बार मेरे पापा बहुत खतरे में जा रहे हैं, तो मैं अपने हस्बैंड का बात टाल के भी चले जाती, बट अपने पापा को नहीं छोड़ती। मुझे
बहुत मिस करती। मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा अपने किए पे कि काश मैं चले जाती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं कैसे पापा को कहूं? मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ पापा। मुझे इतना सा भी एहसास हो जाता कि मेरे पापा दोबारा नहीं बन पाएंगे तो मैं चली जाऊँ। बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ मेरे पापा का कि मेरे पापा। मुझे थोड़ा सा भी एहसास किसी कोई एहसास नहीं था कि पापा एक बार अगर जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। मेरे घर में किसी को भी इतना सा भी ये नहीं था, इतना सा भी कोई फील नहीं हुआ था कि इस बार कुछ ऐसा हो जाएगा नहीं तो मैं चले जाती। लेकिन पापा के कहने के बाद पापा ने फोर्स नहीं किया कि हाँ चलो, मैंने बोला था तो पापा ने बोला हाँ ठीक है चलो। बस मुझे इसी बात का रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं चली जाती। हो सके तो पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा, मुझे इसका जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि कहाँ पे चले जाती। ये तो मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ कि अब मैंने आप लोगों को फैमिली माना है और आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट किया है। तो बस मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी फैमिली बनते जाएं और एक दिन इतनी बड़ी फैमिली बन जाए जो मुझे थोड़ा सा भी अकेलापन लाचारी का महसूस ही ना हो और जो अपने पन के एक मुखौटा पहने हुए हैं और मुश्किल की घड़ी में जो पीछे हट जाते हैं, मुझे उन लोगों की ज़रूरत ना पड़े। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए प्लीज़। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिल से बनाए रखिएगा। और फिर एक नई मुश्किल ये आती है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड का जॉब छूट जाता है और फिर बापू भी हो जाता है तो फिर कहते हैं कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब एक पिता बनते हैं, पति बनते हैं। और ऐसे में जॉब का छूट जाना तो बहुत बहुत ज़्यादा तभी का जो सिचुएशन रहता है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन तभी हम लोगों का हो रहा था। चीज़ें अनकंट्रोल हो रही थी कि क्या करें ना करें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पति की जॉब छूट गई और ऐसा कह सकते हैं आप कि 8 महीने तक मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं मिली कोई अच्छी सी। और फिर इस 8 महीने में हम लोगों ने कैसे क्या किया और अपने बच्चे की जिम्मेदारी सारी चीज़ें कैसे देखी, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो और मेरी रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हमें प्यार दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने मिलेगा।